हेलो गाइस, हेलो मीडिया, होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे. और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे इस वीडियो को. और मैं आज आपको अपना BGU कैंपस ट्रिप कराने वाली हूँ, जहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कितने टाइप के डॉर्म्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो लेट्स स्टार्ट. सो आप देख सकते हो, ये BGU कैंपस के बाहर का व्यू है. ये मेन गेट है और यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ है उसका, तो दैट मीन्स BGU मीन्स वेंकूरियन यूनिवर्सिटी. ये नाम यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम है. और चलो मैं अंदर चलती हूँ. ये इसका लोगो है, आप देख सकते हो. इसका मेन गेट यहाँ पर, वैसे तो गाड़ियों के लिए ये होता है जब कार एंटर करती है, और नॉर्मल पीपल्स के लिए ये होता है कि हम इसको ओपन करके जा सकते हैं अंदर. ये इसका फ्रंट एंट्रेंस है. तो आप देख सकते हो, सबसे पहले एंटर करते ही यहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, पत्थर पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जेको ब्लेस्टीन इंस्टीट्यूट फॉर डेजर्ट रिसर्च. और यहाँ पर आप एक और पोस्टर देख रहे हो. ये पूरा पोस्टर इस पूरे कैंपस को एक्सप्लेन करता है कि कहाँ पर डोम्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं. तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी. ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ स्किप करके मत जाइए. तो मैं चलती हूँ डिपार्टमेंट की तरफ. ये सबसे पहले जो बिल्डिंग आई है, जिसपे 7 नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. ये बिल्डिंग एक स्टूडियो है. यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ और काफ़ी सारी डांस प्रोग्राम एक्सरसाइज आप यहाँ पर कर सकते हो. उसके बाद ये जो बिल्डिंग है, इसमें हम काफ़ी सारी, ये स्टूडेंट पब के नाम से जाना जाता है, स्टूडेंट पब इसको हम कहते हैं. और इसका एरिया देख रहे हो यहाँ पर आप, तो यहाँ पर कल्चरल इवेंट्स होते हैं. कोई भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, तो हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं लाइक दिस. और फिर मैं डिपार्टमेंट की तरफ जा रही हूँ. तो सबसे पहला डिपार्टमेंट यहाँ आता है, वाटर डिपार्टमेंट. यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट हैं, वाटर डिपार्टमेंट, फिजिक्स और सोलर कह सकते हो, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर ज्वाइन होते हैं. उन्हीं बच्चों के लिए ये डॉम्स हैं, जो यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है उनकी फैमिली यहाँ पर रहती है इन डॉम्स में. और ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये फैमिली ऑडिटोरियम. तो जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है वो यहाँ पर होती है, फैमिली इवेंट कॉन्फ्रेंस वगैरह यहाँ होती है. तो उसके बाद ये बिल्डिंग आती है 13, जिसमें 13 नंबर लिखा हुआ है. ये एक लाइब्रेरी है. कुछ चीज़ सर्च करनी हो या पढ़ना हो तो इसमें आके सब बच्चे अपने स्पेंड करते हैं टाइम. फिर उसके बाद आता है वाटर डिपार्टमेंट, जुकरबर्ग इंस्टीट्यूट फॉर वाटर रिसर्च. और ये उसका पूरा, आप देख सकते हो कितनी बड़ी है, 2 फ्लोर की है. मैं एंटर नहीं कर सकती क्योंकि मैं स्टूडेंट ही हूँ यहाँ की, तो कभी और दिन मैं एंटर करके दिखाऊंगी. और ये इसका बैक साइड है, काफ़ी बड़ा इस डिपार्टमेंट है. पीछे तक काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं, काफ़ी हर एक बच्चे की पर्टिकुलर प्लेस होती है यहाँ स्टूडेंट की. और मैं अब चलती हूँ बॉटनिकल गार्डन. यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक बॉटनिकल गार्डन बनाया, काफ़ी सुंदर है, छोटा सा. काफ़ी टाइप के कैक्टस हैं यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कैक्टस. कैक्टस लगा रखे हैं यहाँ पर, इतने प्यारे प्यारे लगते हैं ये, हर टाइप के प्लांट होंगे. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ये. डेजर्ट है तो कैक्टस तो फेमस होंगे यहाँ पे. इतने टाइप के कैक्टस हैं, हर वैरायटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे कैक्टस की. और ये जो आप डिपार्टमेंट देख रहे हो, 25 बिल्डिंग,
ये है एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ ड्राईलैंड, दैट इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा है वहाँ से लेके यहाँ तक, और पीछे भी काफ़ी बहुत बड़ा है। जैसा कि मैंने कहा मैं एंटर नहीं कर सकती, तो मैं बाहर से ही दिखाऊंगी आपको सारी चीज़ें। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। और ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग का बैक पोर्शन है। यहाँ पे गेट बहुत है, हर एक टाइप की गेट आपको मिल जाएगी। तो इस डिपार्टमेंट की बात करूँ, 24 बिल्डिंग आप देख रहे हो। तो इस पे एनवायरमेंटल एंड एनर्जी रिसर्च, और आप इसके ऊपर देख रहे हो ना कितने प्यारी रिंग बनी है। Swiss Institute for Dryland Environmental and Energy Research Department. ये भी काफी बड़ा डिपार्टमेंट है पीछे तक। अब मैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ जा रही हूँ। आप देख रहे हैं ऊपर बेंगोरियन नेशनल सोलर एनर्जी सेंटर, और ये भी काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं एंटर नहीं कर सकती हूँ, काफ़ी इन्होंने देखो कितनी अच्छी खूबसूरती से सजाए हुए हैं। ड्राई लैंड है तो इतने पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, पर पत्थर तो भरपूर है यहाँ पर। और ये मेन एंट्रेंस है सोलर डिपार्टमेंट की, यहाँ से मेन एंट्रेंस होता है। अब चल लास्ट डिपार्टमेंट जो कि अभी इन्होंने बनाया हुआ है, सी द बिल्डिंग, कितनी प्यारी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई हुई है इन्होंने, इतना अच्छी लगती है ये बिल्डिंग, फीलिंग आती है पूरी फॉरेन में आए हुए, बट हमें यहाँ पे फॉरनर्स। तो इसका भी एक नंबर है 23, स्पेसिफिक नंबर दिया है सभी बिल्डिंग्स। सो दिस डिपार्टमेंट इज द बेंगोरियन इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ इजराइल एंड जियोनिज्म। तो आज छुट्टी है इसीलिए सब बंद है, तभी मैं इसको वीडियो कैप्चर कर पा रही हूँ। ये तो वर्किंग प्लेस में ही रहता है, ये डिपार्टमेंट के अंदर का ही पोर्शन है, काफ़ी खूबसूरत है। और आप पीछे साइड जो देख रहे हैं ना, तो ये अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं वाइन, ये वाइन बनाते हैं, ये ग्रेप्स की खेती करी हुई है इन्होंने। तो काफ़ी सारे ग्रीन हाउसेज और ये सारी चीज़ें इन्होंने बना रखी है यहाँ पर। ये जो डिपार्टमेंट है वो पीछे तक है, दिखा सकती हूँ। उसके बाद ये फिनिशिंग लाइन है इसकी, तो वहाँ फेंसिंग लगी हुई है पीछे, ये जो ग्रीन हाउस है उसके पीछे। तो ये पूरा बंद है, जो कैंपस एरिया है वो पूरा फेंसिंग से बंद किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि ये डेजर्ट पार्ट है तो काफ़ी सारे जंगली जानवर यहाँ बाहर रहते हैं, तो एक सिक्योरिटी है पूरी इस कैंपस में। बीजीयू है बेंगोरियन यूनिवर्सिटी, वो इसराइल के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम है बेंगोरियन, उन्हीं के नाम पर बनी हुई है, उनका ये स्टैच्यू है।
बनाई कि उन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनवाई उनके नाम पे, यहाँ पर पार्क है और काफ़ी सारी चीज़ें। उनकी लास्ट विश भी यही थी मरने से पहले कि उन्हें इसी प्लेस पर उनकी ग्रेव बनाई जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी यहाँ पर ग्रेव कहाँ पर है उनकी। आप देख सकते हैं उसका कितना खूबसूरत है। ते पीछे जो बिल्डिंग है पे इसराइल का फ्लैग लगा हुआ है, इतना बड़ा फ्लैग लगा हुआ है पूरा बिल्डिंग कवर कर दी ऊपर से नीचे। ये जो मैंने आपने पोर्शन बताया ये मेरे लेफ्ट हैंड है, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बने हैं, बट राइट हैंड पर डोम्स बने हुए हैं। काफ़ी कैटेगरी है डोम की, लाइक फैमिली डोम्स, सिंगल डोम्स, कपल डोम्स। तो जो पर्सन जैसे यहाँ पे ज्वाइन करता है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग उसे वैसे ही डोम्स अलॉट होते हैं। सी यहाँ पे ये फैमिली डोम्स है, लाइन से लगे हुए हैं फैमिली डोम्स इस टाइप से। और यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा पैनल लगाया जाता है उस पर सारी चीज़ें डिस्कस होती है, मतलब सबको लोकेट करते हैं काफ़ी वहाँ पे कौन कौन सा किसका डोम्स है, तो कोई जाए तो किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, वो अपने आप इजीली सर्च कर सके। दिस इज़ अ डोरमेट्री बिल्डिंग और उस पर लिखा हुआ था 6771, तो ऐसे सर्च कर सकते हैं हम किसी का भी डोरमेट्री। जो नंबर्स रहते हैं वो ऐसे रहते हैं 69.1, 69.2, लाइक दिस आप देख सकते हो। ये फैमिली न्यू डॉम्स है। और ये सामने जो देख रहे हैं आप ये कपल डोम्स और सिंगल डोम्स आते हैं। तो ये था मेरा विजिट पूरा बीजीओ का, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करना, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।